हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लासिक्स हिंदी ग्रामर के भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषाएं और क्या होती हैं ये, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को हम अच्छे से समझने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। फर्स्ट हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? मनुष्य बोलकर अपने भाव को व्यक्त करता है और आवश्यकता पड़ने पर पढ़ के व लिखकर मन की बात को स्पष्ट करता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भाषा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का मूल आधार ही क्या है? भाषा। चाहे वो लिख कर कर रहा है, चाहे वो पढ़ कर रहा है, उनका मेन क्या है? भाषा है। भाषा शब्द भाषा धातु से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बोलना। मनुष्य जिस ध्वनि को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो वो मेरी हिंदी भाषा है, है ना। तो इस जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, जो आवाज़ आपको, ध्वनि मीन्स आवाज़, जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है जब मैं बोल रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा, ठीक है। तो मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ, ठीक है। मैं अगर इंग्लिश में बोलूँगी तो कौन सी भाषा बोलूँगी? इंग्लिश भाषा बोलूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब हम भाषा को अगर देखें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव के या विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ भाषा की डेफिनेशन आती है तो आपने लिख देना है इस तरीके से कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, चाहे वो बोले, जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो भी मेरी भाषा है, आप सुन रहे हो तो भी मेरी भाषा सुन रहे हो, ठीक है। आप कहीं बुक में पढ़ रहे हो, जैसे कि आप मेरी स्लाइड को देख पढ़ रहे हो, तो वो भी क्या है? भाषा, ठीक है। भाषा के मेन दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक मीन मुंह से बोलना और लिखित मीन्स लिखकर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाती है। जैसे मैं बोल रही हूं, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा, ठीक है। जब लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त करता है तो उस भाषा को क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। अगर मैं आपको ये जो उस मौखिक भाषा, लिखित भाषा बोल के नहीं, आपको सिर्फ स्लाइड दिखा रही हूँ और आप इससे देख के समझ रहे हो, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? वो लिखित भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिपि। चलिए लिपि को एक्सप्लेन करते हैं। लिपि क्या है? भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ लिपि क्या है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ ना, तो बोलने में अगर मैंने आपको बोला भाषा, तो मैं उसमें भा शा, मतलब ऐसे कुछ चिन्ह हैं, आ की मात्रा है, भा है, तो इनका उपयोग कर रही हूँ, यही क्या होते हैं? लिपि होते। अब आपको अगर लिपि की डेफिनेशन देनी है, परिभाषा देनी है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तब प्रत्येक भाषा की लिपि चिन्ह अलग अलग होती है तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर एक भाषा की लिपि अलग होती है। जैसे पंजाबी है, पंजाबी में अलग लिखा जाता है, गुजराती में अलग लिखा जाता है, हिंदी में अलग लिखा जाता है, इंग्लिश में अलग लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब सभी भाषा की अपनी अपनी क्या है? लिपि है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है, ठीक है। तो चलिए कुछ हम भाषाएं जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं उनकी लिपियों को देखते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं,
हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी। उर्दू फारसी की लिपि क्या है? फारसी। अरबी की लिपि? अरबी। बंगला की लिपि? बंगला। रूसी की लिपि? रूसी। अंग्रेजी, जर्मन और भी जो है तो उनके सबके क्या है? रोमन। फ्रेंच, ठीक है, ये सब इनके सबके क्या है? रोमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, ठीक है, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। तो आपको तो इनमें से कई भाषाएं आपने सुनी नहीं होगी और कई आपने सुनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार अब भारत में जो है 22 भाषाएँ ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। तो अब है तो बहुत सारी भाषाएं, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषाएं 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो अब आगे मेन टॉपिक आपका ये जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। आप लोग कई के सब्जेक्ट भी होंगे ना, संस्कृत कई स्कूलों में है, अभी भी संस्कृत कई स्कूलों में हटा दिया गया संस्कृत, बट संस्कृत बहुत जरूरी है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हो ना तो आपको हिंदी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। संस्कृत जो है हमारी हिंदी को मजबूत करता है, तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की जो राजभाषा के रूप में स्वीकारी गई थी, ठीक है, जो संविधान में बता दिया गया था कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, कब? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। हिंदी भाषाएं की 5 उपभाषाएं हैं, मतलब हिंदी भाषा ऑलमोस्ट जो भी हमारी इंडिया है ना, ऑलमोस्ट हर जगह हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। इसकी जो है 5 उपभाषाएं भी हैं, ठीक है, चलिए उपभाषाएं देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपभाषा बोली। उपभाषा हमारी क्या है? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती। राजस्थानी हिंदी की मालवी। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी। बिहारी हिंदी कन्नौजी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो ये सारी जो है हमारी उपभाषा की बोली है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इनमें से कई बार आपके एग्जाम में जो है उपभाषा पूछी जाती है और उसकी बोली पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बोली। बोली क्या है? अब बोली के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। बोली क्या है? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। जो सीमित क्षेत्र में एक मतलब पर्टिकुलर छोटे से एरिया में बोला जाता है ना, उसको बोली कहते हैं। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली जाती है। मतलब जो स्थानीय व्यवहार, मतलब थोड़े बहुत जो छोटे लोग होते हैं, मतलब थोड़े से लोग होते हैं, वो अपनी एक स्पेशल बोली होती है, उसी में आपस में बात करते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं होती है, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता उसके बारे में, ठीक है। तो अल्प विकसित मीन्स बहुत कम विकसित, बहुत कम डेवलप में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली, जो अल्प विकसित होती है, ठीक है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं है, मतलब कोई उसको लिख के नहीं बता सकता। बोली ऐसे ही बस बोल के, मतलब हम बोलते हैं ना, वो क्या हो गई? बोली हो गई। बोल के सिर्फ अपनी चीज़ों को बताया जा सकता है, उसे कहते हैं बोली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब भाषा हमने सीख ली, फॉर एग्जाम्पल हमने इंग्लिश सीख लिया, हिंदी सीख लिया, संस्कृत सीख लिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख ली, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर रूप में लिखना भी हमें आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना टेंस, हिंदी में भी आप पढ़ोगे काल। जैसे अगर मैं खाना खा रही हूँ, इट मीन्स अभी खा रही हूँ ना, ये मेरा व्याकरण बता रहा है कि मैं खा रही हूँ, अभी मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ये बोला कि मैंने खाना खा लिया था,
इट मीन्स मैं खा चुकी थी, तो वो मेरा क्या है, व्याकरण बता रहा है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ना, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से हमारे हिंदी में भी होता है वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यकाल। तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए अभी इतना ही मैं समझा रही हूँ आपको कि मतलब कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।